बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ये है क्लास 8 की मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 और अब हम करते हैं उसका थर्ड पार्ट। सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 15। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने जो है मेथड यूज करना है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और हमने जो है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जैसे कि आपको पता है हमने सबसे पहले किसी एक कोफिशियंट जो है ना उसके हमने फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। तो हम इसमें एक्स की भी फाइंड कर सकते हैं, वाई की भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसमें जो है वो एक्स की फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको, इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इक्वेशन नंबर 2 को हम लेंगे x माइनस 4y इज इक्वल टू 15। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ जितनी भी उसके साथ वैल्यूज लगी हुई है हमने उस साइड पे दूसरी साइड पे ले जाना है। तो इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आ गई x की वैल्यू इक्वेशन में से, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे x की और फिर हमारे पास जो है वो y का आंसर आ जाएगा। तो 6 और x की जगह हम लिख देंगे 15 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 और प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। फिफ्टीन सिक्स आर 90 प्लस 6 4s आर 24y प्लस y इज इक्वल टू 2, ये हो गया 25y इज इक्वल टू 2। 90 जो है वो साइड में माइनस हो जाएगा, माइनस 90, ये हो गया माइनस 88 और ये हो गया 25y। तो अब हम करेंगे y इज इक्वल टू माइनस 88 ओवर 25, ठीक है। ये हमने फाइंड की y की वैल्यू, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके। तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे माइनस 4, y की जगह लिखेंगे माइनस 88 ओवर 25, ठीक है। बल्कि हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 6 x प्लस y की जगह 88 ओवर 25 माइनस 88 ओवर 25 इज इक्वल टू 2, 6x इज इक्वल टू 6x और ये जो है ना ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 88 ओवर 25 इज इक्वल टू 2। तो फिर हम माइनस 88 ओवर 25 को सेट पे भेजेंगे, तो 2 प्लस 88 ओवर 25, ये ओवर 1 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 टू आर 50 प्लस 88 ओवर 25, 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 138 ओवर 25 और 6x। तो इधर मल्टीप्लाई आ रहा है उस साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 3 1s are 3 और 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 23 ओवर 25, ठीक है। हम जो है अब हम चेकिंग करेंगे कि हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं क्या वो सही हैं कि नहीं। तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो सही आया कि नहीं। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 6 और x की वैल्यू है 23 ओवर 25 प्लस माइनस 88 ओवर 25 इज इक्वल टू 2। तो 23 इंटू 6 18 और 6 2s are 12 और 138 ओवर 25 माइनस 88 ओवर 25 इज इक्वल टू 2।
138 हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 2, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 2 इज इक्वल टू 2। यदि हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरह जो है हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो आंसर आए थे वो सही थे, ठीक है। और हम करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है जी, पार्ट नंबर 6, 8x+8y इज इक्वल टू 15, 3x-y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है और हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करके हमने x और y के वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम जो है ना इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस 8 उस साइड पे हो जाएगा -8, 15-8y, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है वो इक्वेशन, ठीक है। इधर प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन को पुट करके किसी दूसरी इक्वेशन में तो हम उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। 3 मतलब इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करने लगे हैं 3x की जगह 15-8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 15 3 = 45, -8 3 = 24y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -24y इज इक्वल टू -45, ठीक है। y इज इक्वल टू -45 और ओवर -24। लेकिन हाँ जी ठीक है, फिर हम लोग हमने फाइंड कर लिया अब वैल्यू ऑफ y, और ये जो माइनस है ये माइनस से कट जाएगा, तो 45 ओवर 24 जो है वो हमारी आ गई है वैल्यू ऑफ y। अब हम इसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो हम जो है वो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं, 8x+8y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस और 45 ओवर 24, और इधर 8 आ जाएगा, 8 ones are 8, 8 3 are 24, 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 5s are, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 माइनस 15, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने फाइंड कर ली x की वैल्यू, ये हमारी x की वैल्यू। अब हम जो है इन दोनों इक्वेशन को किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही आया कि नहीं, और हम यूज करेंगे इसके लिए इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। x की वैल्यू है 0, 3 × 0 माइनस y जो है वो 45 ओवर 24 है इज इक्वल टू 0, लेकिन हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ रहा। अब हम इसको नेक्स्ट इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। 8x+8y इज इक्वल टू 15, x है 0 प्लस 8 × 45 ओवर 24 इज इक्वल टू 15, 8 ones are 8, 8 3 are 24, 3 ones are 3, 3 15 are 45, 15 is equals to 15, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने जो है वो प्रूव कर लिया है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। हमने सबसे पहले जो है एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की थी, लेकिन हमारे पास नहीं आया उसका आंसर। उसके बाद हमने उसको सेकंड इक्वेशन में पुट की थी, हमारे पास आंसर नहीं आया, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास आंसर आ गया था, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है वो 3 पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और आप जो है इससे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे बाकी पार्ट्स खुद ही हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।